गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मान के चलता हूं कि भारत में जितने भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ को फॉलो करते हैं काफ़ी क्लोजली, उन सभी को ये मालूम होगा कि आखिर में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये एक तरीका था जिससे कि आप अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकते थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कमी निकल के आया वो ये निकल के आया कि आखिर में जो डोनर है उसका नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। कहने का क्या मतलब है कि सपोज दैट अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैं 100 करोड़ रुपए का फंडिंग करता हूं तो ये बात कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा कि आखिर में उस पॉलिटिकल पार्टी को ये 100 करोड़ रुपये कहाँ से आए। और इस स्कीम को जनवरी 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसी बात पर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड्स मिलते हैं वो फंडिंग का प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि इस स्कीम के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं आया और जो जिस तरीके से भारत में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को प्रमोट किया जाता है, इस स्कीम में कहीं से वैसा कुछ भी नहीं था। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने 232 पेज के जजमेंट में ये कहते हैं कि ये स्कीम कंप्लीट तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अब इस स्कीम को स्क्रैप कर देते हैं। और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जितने भी जो बॉन्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे इंफॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पर जाके अपलोड करेंगे और जिस किसी को भी जानना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को किसने कितना फंड किया वो सारा जो डेटा रहे वो इजीली एक्सेसिबल रहे। लेकिन जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा को शेयर करने में थोड़े से आगे पीछे कर रहे थे, उसी को देखते हुए बीते रोज यानी कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी खफा होते हैं। सो अब तक जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आया है वो ये आया है कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड परचेस किया था, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि किस कंपनी ने किसको फंड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि ये जो पूरा बॉन्ड का जो प्रोसेस था इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इससे संबंधित कोई भी ऐसा जानकारी ना हो जो कि एक आम जनता को ना पता हो। कहने का क्या मतलब है, तो अगर मैं कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उस ट्रांजेक्शन के कम्प्लीट होते ही एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है, जिस आईडी में ये बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है ये कितने अमाउंट का आईडी है। कहने का मतलब है कि उस ट्रांजैक्शन आईडी में कितने का जो ट्रांजैक्शन हुआ, किस डेट में हुआ, किसके लिए हुआ, उस आईडी में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही जो बॉन्ड होते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ सिलेक्टेड ब्रांच के थ्रू जो बॉन्ड को इशू करते थे, उन सभी बॉन्ड्स में क्या होता था कि एक यूनिक आईडी होता था जो कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होता था। मतलब क्या हुआ, कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन में होता था। तो उस अल्फा न्यूमेरिक नंबर से ये ट्रैक किया जा सकता है कि इस बॉन्ड को किसने इशू किया, किस डेट में इशू हुआ, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू किया गया और किस डेट में उस बॉन्ड को इन कैश कराया गया। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, ये सारे का सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो आप खुद भी इन सारे इन्फॉर्मेशन को जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। साल 2018 में क्या होता है कि द क्विंट जो वेबसाइट है जहाँ पर हम जाके न्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बताया गया कि जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो खुले आंखों से विजिबल नहीं होते हैं, जिसको देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइट्स चाहिए होते हैं। कहने का क्या मतलब है, तो बहुत बार बैंक में पर्सनली मैंने भी देखा है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां पे जो फेक नोट्स होते हैं उस नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक लाइट के उसको अंडर में लाया जाता है, उससे यह मालूम पड़ जाता है कि वो नोट असली है या नकली है। तो वैसे ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसको भी कुछ स्पेसिफिक लाइट के अंडर में अगर लाया जाएगा तो जाके वो मालूम पड़ जाता है, तब जाके वो दिख जाता है कि वो आखिर में अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्या है। और साथ में ये भी कहा गया था द क्विंट के द्वारा कि अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर को अगर हम फर्दर देखेंगे तो उससे जो लिंक है डोनर का और पॉलिटिकल पार्टी का वो कंप्लीट तरीके से हमें मालूम पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि उस बॉन्ड को कब इशू किया गया था, किसने इशू करवाया था, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू कराया गया था और किस डेट में वो इन कैश हुआ था। उसके रिस्पांस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है ये सिक्योरिटी के लिए है।
साथ में उनका यह भी कहना था कि उस अल्फा न्यूमेरिक से कभी भी ये ट्रेस नहीं किया जा सकता है कि इस स्पेसिफिक बॉन्ड को किसके लिए इशू कराया गया था। अब आप समझिए इस चीज को कि आप और हम उस देश में रहते हैं जो बढ़ चढ़ के डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट को प्रमोट करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि जो बेनिफिशियरी रहे उसके अकाउंट में सीधा पैसे जाएं। कहने का मतलब है, अगर सरकार कोई भी स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर केवाईसी हो, ताकि जो गवर्नमेंट जो फंड को एलोकेट करे वो डिजायर्ड आदमी तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिल रहे हैं, उस फंडिंग का प्रोसेस में कहीं से भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को आखिर में ये जो बॉन्ड इशू किए गए थे वो किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू किए गए थे, और ये बकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स है। साथ में 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने प्रेस नोट में ये बकायदा कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई सीरियल नंबर नहीं है, यानी कि जो बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर नहीं है, और कहीं से भी ये कभी कहीं से भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है कि ये जो बॉन्ड है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू किया गया था और किस डेट में उस बॉन्ड को इन कैश कराया गया था। उसके बाद साल 2019 के नवंबर के महीने में हफ पोस्ट इंडिया के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है इसके थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये पता है, और ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि ये जो बॉन्ड है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू किया गया था। कहने का क्या मतलब है? कहने का कुछ ऐसा मतलब है कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि इस अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, और ये कभी भी इससे कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है कि ये फंड को या इस बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू किया गया था। लेकिन वही नवंबर 2019 में ऐसा मालूम पड़ता है कि उसी अल्फा न्यूमेरिक नंबर के मदद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये ट्रैक करते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंड किया गया था या उनके लिए इशू किया गया था। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो फंड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे किए गए थे कि कौन कॉर्पोरेट हाउस या कौन इंडिविजुअल किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहे हैं, उस चीज को ट्रैक करने का प्रयास किया गया था। कहने का मतलब है कि जब से इस बॉन्ड या जब से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेके जब तक इस स्कीम को स्क्रैप नहीं किया गया था, यानी कि 15 फरवरी 2024 तक, तब से जो इस पूरे प्रोसेस था ये काफी एक धुंधला प्रोसेस था, जहां पे सरकार एक तरफ ये क्लेम तो करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वही जो उन लोगों को जो फंडिंग्स मिल रहे थे या मिलते थे उस पूरे फंडिंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी था वो बहुत दूर तक मिसिंग था। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इजिली अवेलेबल है, तो आप खुद भी जाके आप इस इन्फॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी आम जनता अगर अपने पैसे को अगर वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स हो गया या अलग अलग तरीके का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कार्रवाई करते हैं, जो कि जायज भी है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको वो अमाउंट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक उसके दूसरे हाथ पे कंप्लीट तरीके से एक नया सिस्टम देखा जाता है जो कि कहीं से भी फेयर नहीं दिख रहा है। और इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि आप प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन सारे इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में ला के रखें और जो भी लोग इच्छुक हैं उसको जाके वो वहां पे देख सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।